अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर खान। यू आर वॉचिंग पाक क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो और इससे आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, और सेकंड मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितना रिस्क होता है, और थर्ड कि क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या फ़र्क होता है। क्योंकि बहुत से लोग स्टॉक को क्रिप्टो से मिला रहे होते हैं, क्या बोलते हैं बस जो स्टॉक है वही क्रिप्टो और जो क्रिप्टो है वो स्टॉक है, बस वो एक तरीके से बात कहता है। उनको नहीं पता कि क्या फ़र्क है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या फ़र्क है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो आज मैं उसको खुल के एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इस तरह एक्सप्लेन करूँगा और बहुत आसान एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक मार्केट के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। सो आओ यार चलते हैं वीडियो की तरफ। तो क्रिप्टो मार्केट सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो। अब स्टॉक्स जो होते हैं वो किसी कंपनी के होते हैं, क्रिप्टो जो होती है वो बेसिकली एक करेंसी है, उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी काम करती है। सही है, अगर हम ये देखें, ये मैंने आपको समझाता हूँ इस इमेज से। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो करेंसी मार्केट, सही है। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने स्नेल से शो किया है, मतलब स्नेल मतलब स्लो, कंपेरेटिवली स्लोअर देन क्रिप्टो मार्केट, मतलब क्रिप्टो मार्केट से स्लो होता है। अब देखें, आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए, सही है। अब जैसे कोई कंपनी है, टीपी लिंक नाम है कंपनी का, बेसिकली पाकिस्तान के एक वाईफाई राउटर को वो करते हैं, बनाते हैं, तो उनका एक शेयर मिल रहा है, सही है। तो अब उस शेयर को आपने खरीद लिया बेसिकली। अब आप कल आपका दिल किया, कल आप जाते हो स्टॉक मार्केट में, देखते हो उसके रेट अच्छे खास हैं, तो वो आपको सेल करना है, सही है। अब आप सेल करने के लिए ब्रोकर से कांटेक्ट करोगे कि यार मुझे इसको सेल करना है, वो थोड़ा अपना कमीशन रखेगा, हाँ चलो सही है, मुझे इतना कमीशन दो, थोड़ी फीस फीस कटेगी, देन काफ़ी वो होता है, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपको अपने शेयर्स जो होते हैं उनको ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसमें आपको कम से कम भी एक डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है। ज़रा यार आराम से हटा दूँ, हाँ तो एक डेढ़ घंटा उसके अंदर आपको आराम से लग जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप क्रिप्टो के अंदर करें, आपने क्रिप्टो बाय कर ली घर बैठे बैठे, रात को 5 बजे आपने बाय कर ली, अब वही क्रिप्टो करेंसी अगर आपको देखा आपके रेट बढ़ गए, आप उसी वक्त 10 सेकंड के अंदर अंदर सिंपली बाय एंड सेल, आप उसको सेल कर सकते हो, सिंपली जो प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट के अंदर होगा। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है टाइम का। एक तो आपको बहुत ज़्यादा स्लो होती है स्टॉक मार्केट, और ये सिर्फ 10 टाइम फास्ट, यहाँ पर लिखा ना एक्ट्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर, सही है। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा शो किया है। अब बहुत से लोग बोलते हैं इसके अंदर फ्यूचर है, तो फ्यूचर क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला एक ज़माना होता था, इससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट के बीच का फ़र्क। पहले एक ज़माना होता था जब पैसा नहीं हुआ करता था, नोट नहीं हुआ करती थी, तो लोग क्या करते थे, जैसे बोलते थे मैं तुम्हें अपनी बकरी दूंगा, तो मुझे इसके बदले में 4 मुर्गियां दे देना अपनी, तो एक्सचेंज करते थे, रेट ऑफ एक्सचेंज। तो फिर आई सोना, फिर लोग सोने के जरिए एक्सचेंज करने लगे, पत्थर के जरिए एक्सचेंज करने लगे चीज़ें, वो एक पत्थर देता था इतने मन पत्थर देता था, वो उसको जानवर दे देता था इतने मन का, कोई भी किस्म का हो कुछ भी हो। तो यहाँ पर फिर पैसा आया, फिर लोगों ने एक करेंसी बनाई कि यार चलो एक पैसा बनाते हैं जिसको सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगी, और इसके जरिए हम अपनी बैंड सेलिंग किया करेंगे, सही है। करेंसी बना दी, उसको एक करेंसी बन गई बेसिकली, वो पूरे वर्ल्ड वाइड ऑफिशियली करेंसी बन गई, सही है। पैसे के जरिए पूरी दुनिया में काम होने लग गया, मनी एक्सचेंज बन गई कि अगर आपको अपना पैसा बाहर भेजना है, आप बाहर कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, तो पैसा उस अपने पैसों को उस करेंसी के हिसाब से एक्सचेंज करते हो, फिर आप बाहर घूमने जाते हो वगैरह। सो इस तरह का बन गया। अब जो मजीद फ्यूचर है वो है क्रिप्टो करेंसीज। आपने स्टॉक करेंसीज नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज। अब देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके दुनिया में बिटकॉइन को लाया जा रहा है। जैसे एल सल्वाडोर एक स्मॉल सिटी है, लेकिन रेवोल्यूशन हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, सही है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप किसी के पास जाते हैं, वहाँ पे ये सीन है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने बोल दिया है कि आप डॉलर से भी पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बिटकॉइन के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी। अब लोग बिटकॉइन को ही क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, नहीं, तकरीबन 4,500 से ज़्यादा कॉइन्स हैं और रोज़ लाखों टोकन्स आते हैं। अब टोकन्स और कॉइन्स में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, यार ये बड़ा तंग कर रहा है, इसको हटा दूं मैं, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द समझाऊंगा कि क्या होता है। बेसिकली ऐसे ऐसा करके चलेंगे, एकदम ऊँची छलांग नहीं माननी, पहले आपने सीखना, एक डेढ़ महीना आप सीख जाओगे, सही है, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना पड़ता है। तो बिटकॉइन क्या है, एक करेंसी है बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, जो कि पूरी ब्लॉकचेन को डेवलप करती है, जिसके ऊपर पूरी ब्लॉकचेन बेस्ड है, सही है। तो अब वहाँ पर क्या है, आप बिटकॉइन के जरिए, अब जैसे आप एक चिप्स खरीदने गए, जैसे लेस चिप्स नहीं, आपने 20 रुपए की है कि, और आपने उसको 5 लेना चाहिए, अब वो 100 रुपए के होते हैं। अब या तो पाकिस्तान के हिसाब से आप उसको 0.69 डॉलर्स दे दो, जो कि पूरे 100 रुपए होते हैं, 0.69 सेंट्स में बताना, 0.69 सेंट्स डॉलर आप उसको दे दो, तो वो आपको चिप्स दे देगा। अगर आप किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो ज़्यादातर कैश हैंड में ही काम होता है सारा,
तो वहाँ पे क्या सीन है, आप अपना जाते हैं, आपका एक मोबाइल के अंदर वॉलेट इंस्टॉल होता है जिसके अंदर आप बिटकॉइन को डिपॉजिट कराते हैं, सही है वो। अब आप उसको बदले में कितने सतोशी दे सकते हैं। देखिए सेंट क्या होता है, जो डॉलर के अंदर 0 पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं सेंट्स। इस तरह बिटकॉइन के अंदर होता है 0 पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होती हैं, 7 जीरो छोड़ के जो वैल्यूज होती है उसको कहते हैं सतोशी। एक सतोशी की वैल्यू पाकिस्तानी कुछ 1.5 रुपये बन रही है अभी, तो उसको हम कहते हैं सतोशी। तो अब उसको सतोशी में, जैसे वो आपको बोलेगा कि यार इसके कितने बन गए, अब 1-1.5 रुपए की एक सतोशी है ना, तो वो आपसे कहेगा कि मुझे आप इसके बदले में 70 सतोशी दे दो, मैं आपको चिप्स दे दूंगा। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि यार एक काम करो, तुम मुझे 5 चिप्स दो, मैं तुम्हें वाईफाई का स्टॉक दे दूंगा, मतलब एक टीपी लिंक का तुम्हें एक स्टॉक दे दूंगा, नहीं ना। वो तो आप कंपनी में जाके चेंज कर सकते हो ना, उसी कंपनी को बेच सकते हो जिस कंपनी से आपने खरीदे थे, आपको अपने ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, आप किसी से एक्सचेंज कर सकते हो, ये सीन है। तो ये आपको, अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि वॉट इज क्रिप्टो करेंसी एंड वॉट इज द स्टॉक मार्केट। दिस इज द फ्यूचर करेंसी, इन द फ्यूचर आप देखोगे कि इसकी बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन है, इन द फ्यूचर आप ज़्यादातर देखना ये खत्म ही होती जाएंगी चीज़ें। और मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में भी 15 साल बाद आ जाएगा, वैसे तो दुनिया से हम 10 साल पीछे चलते हैं, 3-4 साल बाद दुनिया काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी होगी, तो फिर पाकिस्तान में शायद क्रिप्टो करेंसी को समझा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें काफ़ी लेट आती हैं। अब जब बिटकॉइन 1 साल पहले था तकरीबन $5,000 का था, तब कोई जानता तक नहीं था कि क्या है, जैसे ही वो 64,000 पे होके आया तो सबको पता लगा, अरे हाँ ये भी तो एक चीज़ होती है यार, हमने पहले भी इन्वेस्टमेंट की। तो ये अब हमारी गलती नहीं है, हमें बस इन चीज़ों से दूर रखा गया, हमें इन चीज़ों की स्टडी नहीं दी जाती जिस चीज़ में रिवोल्यूशन है, जिस चीज़ में हम कमा सकते हैं। तो ये कोई टॉपिक नहीं है, बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है टाइम बाउंड इन ऑपरेबिलिटी, सही है। इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब आपको मैंने जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, अब आपको कोई शेयर एक्सचेंज करना है, सही है, आप गए, आपको बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ये वो, लेकिन क्या है ऑपरेट्स 24/7, आपको हर वक्त किसी के वॉलेट में एक एड्रेस होता है इसके अंदर, आप उसके एड्रेस पे उस ही वक्त पे आप सेंड कर सकते हो। तो ये बड़ा ही सिंपल होता है, टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा बच जाता है, आप 1 सेकंड में सब कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ बता रहा है कि आपको इसके अंदर लोकेशंस पे जाना पड़ता है, जैसे आपको अपनी स्टॉक शेयर, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज में आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको अपने शेयर बेचने पड़ते हैं। अब यहाँ से बैठे बैठे नहीं बेच सकते हो कहीं पे भी कि यहाँ पे बैठा हूँ, चलो यार खोला मोबाइल बेच दिया, नहीं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो आप किसी के ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने शेयर, आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो बंदा आपको बंदे में पैसे दे रहा है, तो ब्रोकर्स के पास काफ़ी बंदे होते हैं, वो भी बाय करना चाह रहे थे, तो ब्रोकर अपने पास है तो नहीं उसको बेच रहा होता, वो भी बोलता है कि यार अगर आपको सेल करना है तो ये बंदा आपसे खरीदेगा, आप एक काम करें ट्रांसफॉर्म फॉर्म जो वो फिल कर दें, ये शेयर इनके नाम पर हो जाएंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है, आपने बोला भाई मुझे आपसे शेयर चाहिए, उस बंदे ने आपसे व्हाट्सएप पे या बाइनेंस एक एक्सचेंज है वहाँ पे, जहाँ पे बाइनेंस समझे एक ब्रोकर है, जहाँ पे सारे कॉइन्स होते हैं, आप उससे कोई कॉइन खरीद लें पैसे देके, वहाँ पर 24/7 ट्रेडर्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं आपसे बाय एंड सेल करने के लिए। देन आपने क्या किया, मोबाइल उठाया, आपने बोला कि आपके ब्रोकर, आपके पास क्लाइंट देंगे, यार मुझे आपसे इतने खरीदने हैं, मैं आपको इतना रेट दूंगा, आपने कहा ओके, आपने उसके वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए, उसने आपके वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए, कहानी खत्म, चाहे रात के 4 बज रहे हो, रात के 5 बज रहे हो। तो आप वर्ल्ड वाइड से पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया भर में किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ़र्क होता है। अब रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करें तो रिस्क यहाँ पर आपको एक चार्ट शो होगा, देखें ये एक जो ऊपर की तरफ जो चीज़ जा रही है वो लेवल ऑफ रिस्क है, मतलब रिस्क का उरूज और पोटेंशियल कि किन किन चीज़ों तक जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे जो छोटे दर्जे पे जिसके अंदर इतना रिस्क नहीं है वो है कैश। ये कैश आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, पैसे की वैल्यू खत्म तो नहीं होती, हाँ अगर आज रात को गवर्नमेंट ऐलान कर देती है, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि चीज़ मुझे नहीं लगता कि कभी हो सकती है कि भाई हम लोग कैश को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, अब से कल से जो काम होगा वो सारा क्रिप्टो करेंसी से होगा या कोई अपनी दूसरी नई करेंसी है, तो कैश की वैल्यू यहाँ पे घट सकती है। वरना कैश अगर आपने रखा हुआ अपने बैंक अकाउंट में 60-70 हज़ार रुपये रखें, अगर आप उसको 3-4 साल बाद भी निकालोगे तो 60-70 हज़ार ही होंगे, तो उसके अंदर इतना रिस्क नहीं है। इसके बाद से फिक्स सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, जो आप कैश बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनको आप रखते हो, जैसे 40,000 का आपने एक बॉन्ड बाय किया था 3 साल पहले की बात है, अब वो फिर क्या किया हो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि अगर जिसके पास पड़ा है हम आपको 4 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप उसको एक्सचेंज कर लो, तो वो आप लोगों ने एक्सचेंज करके पैसा निकलवा लो, इसके बजाय में अब 40,000 का बॉन्ड कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में तीसरे दर्जे पर आती है, मतलब थोड़ा सा उसमें रिस्क होता है। अब जैसे आपने एक प्रॉपर्टी बाई की, अब कल परसों पहले तो काफ़ी ज़्यादा होता था कि हालात खराब हो गए, अब वो प्रॉपर्टी उन्होंने आपकी जला दी, आपने एक प्रॉपर्टी खरीद के रख ली, अब आपने बोला यार इसको 8-10 साल बाद अच्छा खासा जब एरिया डेवलप हो जाएगा अच्छा खासा तब मैं इसको सेल करूंगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सही है, ऐसा करके। तो आपने ये सोच के रखी, अब वो कल अल्लाह ना करे कोई कुछ हो गया, गलत खबर आ गई, तो वो होती है आपकी इफेक्ट, प्रॉपर्टी को उन्होंने आग लगा दी तो आपके तो वहीं अरमान डूब जाएंगे सारे। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर रिस्क होता है, हालांकि जबकि कैश और बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, आपको गवर्नमेंट जाके बैंक में जाके आप एक्सचेंज कर सकते हो। अगर बैंक को कुछ हो भी जाता है, जैसे रॉबरी हो जाती है इन केस अगर, तो वो आपके लॉकर आपने अकाउंट खोला हुआ तो उसके जिम्मेदार आप नहीं होगे, वो बैंक होगा, बैंक आपको आपका पूरा पैसा वापस देगा। लेकिन प्रॉपर्टी को सिर्फ आप ही ओन कर रहे हो और प्रॉपर्टी का
और कोई नहीं, अगर अगर वो जली भी तो आपका नुकसान है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्किल इंक्रीज होगी वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत खासी है। जैसे भैरियाटॉन में बहुत पहले लोगों ने एक फैक्ट प्रॉपर्टी ली थी, फैक्ट्री नहीं, एक प्रॉपर्टी ले ली थी। अब उसकी वैल्यू आज आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है। तो अगर इनकेस अल्लाह ना करे, एक एग्जाम्पल देना, अल्लाह ना करे अगर वहाँ पर कभी कुछ हो जाता है, ऐसा हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो घिरना स्टार्ट हो जाती है। तो ये रिस्क होता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसके बाद चौथे दर्जे पर जो आते हैं वो होते हैं स्टॉक्स। अब स्टॉक्स में क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, अब उस कंपनी के शेयर्स अच्छे खासे बिक रहे हैं, लेकिन किसी ने, जैसे अभी आपने देखा होगा बीच में रोनाल्डो ने क्या किया था, कोको कोला की बोतल्स को, जो बॉटल्स थी उनको उठाकर उन्होंने साइड में रख दिया था, तो इससे ज़्यादा काफ़ी इंपैक्ट पड़ा था, फट आ गया था एक तरीके का, मतलब काफ़ी बिलियंस का नुकसान हुआ था, तो स्टॉक की वैल्यू भी गिर गई थी। तो ये एक न्यूज़ पे स्टॉक एक तरीके से बेस करता है, कंपनी आज है एक अपने पीक पर है, एक नीचे अपने टॉप पर आ गई है कंपनी, तो ये स्टॉक इस पे बिलीव करते हैं। स्टॉक आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो ये सोच के कि 4 साल बाद निकालूंगा, तो वो बढ़ भी सकता है, लेकिन उसके अंदर ये रिस्क भी होता है कि वो गिर भी सकता है। इस तरह प्रॉपर्टी और स्टॉक्स, इनको आप सेम दर्जे पे, मैं इस चार्ट पे थोड़ा सा कम बिलीव करूंगा, इन दोनों को सेम दर्जे पे रखते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क। आप देख सकते हैं सबसे पीक पर है और पोटेंशियल में भी सबसे आगे और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसको शो कर रहा है, सही है। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या रिस्क होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, सही है। अब जैसे कोई कंपनी है उसने आपसे पैसा लिया, कोई टोकन आने वाला है, इसके ऊपर खैर मैं बहरहाल एक मजीद वीडियो बनाऊंगा। अब एक टोकन आने, उसने बोला प्री सेल कर रहे हैं हम लोग, आप बाय कर लें, अभी अगर आप बाय करते हैं तो हम आपको 100 रुपये के 1 लाख कॉइन्स दे देंगे, सही है। तो आपने कहा अरे वाह 100 रुपये में, अब बाद में क्या बताऊँ उनकी वैल्यू 1 रुपये भी हो सकती है, तो आपके तो 1 लाख रुपये बन गए ना। ज़रा एरर बार बार आ रहा है, तो मेरी बात पर कॉन्सेंट्रेट करें आप। तो आप तो ये सोच के लेंगे, अब क्या पता उसने लोगों से पैसे ले लिए, बाद में वो कंपनी स्कैम करके भाग गई, ब्लॉकचेन पे कोई किसी को पकड़ नहीं सकता मेरे भाई, सही। आप FBI से भी अपना पैसा नहीं निकलवा सकते ना कहीं से। सो इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है सोच समझ के। अब इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, लेवरेज ट्रेडिंग होती है, अब आप लेवरेज लेते हो, बोरोइंग ट्रेडिंग होती है, मार्जिन ट्रेडिंग होती है, इनके ऊपर अलग अलग से वीडियोज़ बनाऊंगा। जब आप उन वीडियोज़ को देखेंगे समझेंगे तो आपको क्रिप्टो करेंसीज का रिस्क पता चलेगा। अब जैसे बिटकॉइन अभी आपने अगर आप 2 महीने पहले लेते तो $64,000 का था, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया बनता है। फिर इसके बाद फर्ड आ गया, चाइना में बैन हो गया, फिर इसके बाद माइनिंग बैन कर दी, और आज वही बिटकॉइन आपको $30,000 से $35,000 में घूमता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वैल्यू ₹50 लाख। अब जिन्होंने 2 महीने पहले लिया था 1 करोड़ रुपये का, वो आज 1 लाख रुपये मतलब 50 लाख रुपये के लॉस में चल रहे हैं। सो ये इतना रिस्क होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क कितना होता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कितना होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या फ़र्क होता है, और बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, और इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता करके एक जमाना होगा तब खत्म हो जाएगा। अभी पहली कंट्री है एल सल्वाडोर जिसने अपनी कंट्री के अंदर बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी बना लिया है, एंड इन केस आगे आगे जाके पैसा ख़त्म होता जाएगा, जिस तरह एक वक्त था जब सोने से लोग ख़त्म कर दिया, बार्टर सिस्टम होता था, पत्थर से लोग एक्सचेंज कर देता, वो सब खत्म हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता पैसा भी ख़त्म हो जाएगा, फिर क्रिप्टो करेंसीज आ जाएंगी, और इन फ्यूचर इससे मजीद कोई टेक्नोलॉजी, इससे अच्छी चीज़ आ जाएगी। सो ये सब तो चलता रहेगा। सो बस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है। क्लास 1 थी, इसके अंदर मैंने सोचा कि आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊँ बिल्कुल आराम से, और मैंने भी इसको सीखने में 1.5 साल लगाया, तो आई होप कि आप लोग जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बड़ी अच्छी आसान और एग्जांपल से मैंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है। व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरह करना है सारा, कब, और नीचे आपको ये टेलीग्राम का मैंने एक नीड दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर दे तो आपको सिग्नल्स मिलेंगे। सिग्नल्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मैं आपको वहाँ पर बता दिया करूँगा, अगर आपके पास $100 के फंड्स पड़े हैं, मतलब डॉलर्स पड़े हैं, तो आप ये कॉइन बाय करें $2 का, इसकी जो अच्छी न्यूज़ है वो आने वाली है, न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा बेस करती है। असल में जैसे अभी अगर बोलते कि चाइना ने वापस माइनर्स को है बुला लिया एंड बैन हटा दिया, बैन जो है वो हटा दिया और वापस वो एक्सेप्ट करें क्रिप्टो करेंसी इसको, तो वापस बिटकॉइन लोग खरीदेंगे तो वो ऊपर जाने लगेगा, तो उसकी एक अच्छी न्यूज़ आ जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत जल्द आपको अच्छी क्लासेस देखने को मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेंगी, इससे अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगी, जिसके जरिए आप क्रिप्टो करेंसी इसमें एकदम चीते बन जाओगे, सही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा, या टेलीग्राम पे आके मुझे सिंपली मैसेज कर देना, मैं आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।